दोस्तों सुनते हैं लियो टॉलस्टॉय की कहानी गुठली। माँ ने आलू बुखारे खरीदे, सोचा बच्चों को खाने के बाद दूंगी। आलू बुखारे मेज पर तश्तरी में रखे थे। वान्या ने आलू बुखारे कभी नहीं खाए थे। उसका मन उन्हें देखकर मचल गया। जब कमरे में कोई न था, वह अपने को रोक न सका और एक आलू बुखारा उठाकर खा लिया। खाने के समय माँ ने देखा कि तश्तरी में एक आलू बुखारा कम है। उसने बच्चों के पिता को इस बारे में बताया। खाते समय पिता ने पूछा, बच्चों तुम में से किसी ने इनमें एक आलू बुखारा तो नहीं लिया? सब ने एक स्वर में जवाब दिया, नहीं। वान्या का मुंह लाल हो गया, किंतु फिर भी वह बोला, नहीं मैंने तो नहीं खाया। इस पर बच्चों के पिता बोले, यदि तुम में से किसी ने आलू बुखारा खाया तो ठीक है, पर एक बात है, मुझे डर है कि तुम्हें आलू बुखारा खाना नहीं आता। आलू बुखारा में एक गुठली होती है, अगर वह गलती से कोई निगल ले तो एक दिन बाद मर जाता है। वान्या डर से सफेद पड़ गया, बोला, नहीं मैंने तो गुठली खिड़की के बाहर फेंक दी थी। सब एक साथ हंस पड़े और वान्या रोने लगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी?